जेउस अब रोमन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो गाइस रॉयल रंबल में जेउस जब रिंग छोड़कर जाते हैं तो वो रोमन की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि वो रोमन से नाखुश हो, क्योंकि रोमन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। क्योंकि मैच जीतने के बाद उन्होंने केविन को इतनी बुरी तरह से पीटा कि सारी अरीना एक बार शांत हो गई थी। फिर सैमी ज़ेन, जेउस, केविन ओवेंस तीनों अलग हो गए। पता नहीं चल रहा था किसके दिमाग में क्या चल रहा था, और अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और शायद हमें एक नई टीम देखने को मिलने वाली है। अभी रिसेंट तो रॉयल रंबल वाले सेगमेंट के बाद जो एपिसोड लॉन्च हुआ उसमें भी इनके बारे में कुछ अपडेट नहीं मिली, तो शायद WWE प्लानिंग में लगी हुई है कि कब इस टीम की एंट्री करवानी है और कब इसको ब्लडलाइन के सामने लाना है। और आपको पता है कि जेउस टैग टीम चैंपियन है और उनके भी मैच होने वाले फ्यूचर में, तो इसी के चलते शायद इस टीम को अभी तक लॉन्च नहीं किया जा रहा है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलने वाला है केविन, सैमी ज़ेन की एक डार्क साइड। सैमी ज़ेन अब तक कितने सालों से शांत बैठे हुए थे और उनके कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो हर किसी से डरते हैं और वो खुलकर मैच नहीं लड़ते। और इस टीम की खासियत मैं अभी से बता दूं, अगर ये टीम क्रिएट होती है तो इसकी स्ट्रेटजी रहेगी अटैकिंग। और सबसे पहले इस टीम को जो रेसलर हाईलाइट में रहेगा वो रेसलर होगा जेउस, क्योंकि फैमिली इमोशन को दिखाने हमें WWE का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये इतनी जबरदस्त स्क्रिप्ट बना देते हैं फैमिली की फीलिंग को लेकर कि कई दिन तक तो वही चलती रहती है। और बात की जाएगी ब्लडलाइन पर कब अटैक करेगी ये टीम, तो जब सैमी ज़ेन ब्लडलाइन को देखकर अपनी स्टेटमेंट जरूर देंगे और 100% ये टीम ब्लडलाइन पर भारी पड़ेगी, क्योंकि अकेले केविन तो ब्लडलाइन के काबू में नहीं आ रहे थे और अब सैमी ज़ेन के अंदर से पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है कि रोमन ट्राइबल चीफ है, उनके लिए मैंने काम किया है। क्योंकि साफ साफ सैमी ने रोमन के ऊपर चेयर से हमला किया था और अब जेउस उनके भाई हैं, पर उन पर वार करते हुए उनको मारते हुए ब्लडलाइन के सारे मेंबर घबराएंगे। तो गाइज आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला होता है तो किसकी जीत होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो अपडेटेड वीडियोस के लिए। धन्यवाद।